हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश और हाजिर हूं आज एक और एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसे गरीब व्यक्ति की जो फटे हाल था, जिसके पास एक फटी सी धोती थी और एक जर्जर अवस्था में उसके पास एक कुर्ता था और एक गमछा था जो उसने अपने सिर पे लाद रखा था। और वो जो गरीब व्यक्ति था अपनी बेटी को लेकर एक किसी होटल में गया। तो होटल में जाकर वो बैठ गया तो वेटर आया, उसने कहा, उसने दो ग्लास पानी के रखे और कहा कि बोलो आपको क्या ऑर्डर करना। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर ये परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएगी तो मैं इसे एक अच्छी सी पार्टी दूंगा और इसे इसकी पसंद का मैं डोसा खिलाऊंगा और मैं बस आपकी होटल इसको इसकी पसंद का डोसा खिलवाने के लिए आया हूँ, तो आप मेहरबानी करके एक डोसा ले आइए। वो व्यक्ति अंदर गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं दो डोसे लेके आ जाऊं। तो वह उसके पास वापस है, उसने कहा सर दो डोसे। उसने कहा जी नहीं, मेरे पास एक ही डोसे के पैसे हैं, दो डोसे नहीं हैं, दो डोसों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो व्यक्ति जो था, जो वेटर था, वो अंदर गया और उसने अपने मैनेजर से अपनी सारी बात बताई। मैनेजर ने सारी जो बात थी अपने मालिक को कही और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो जो मालिक था उसने कहा ऐसी बात है, चलो एक काम करो, वो दो डोसे उस एक बच्ची को और एक उसके पिता को ले जाकर दिए, बड़े सारे बक्से में उसको बहुत सारी मिठाइयाँ दी और कहा कि अपनी पूरी कॉलोनी में, अपने पूरे मोहल्ले में ये सबका मुंह मीठा करवाना, क्योंकि आपकी बेटी है वो बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई है, पास हुई है परीक्षा के अंदर। तो और कहा कि कभी भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर आइएगा हमारे यहाँ। तो जो गरीब व्यक्ति था उसकी बेटी थी वो मतलब एकदम भाव विभोर हो चुके थे, एकदम इमोशनल हो चुके थे। अब क्या होता है कि वो वहाँ से चले गए और पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ थी जो बांट दी। कुछ साल के बाद वही बच्ची जो थी बड़ी होकर IAS जिला कलेक्टर बनी और उसी शहर के अंदर उसकी पोस्टिंग हुई। जो होटल का मालिक था उसने कलेक्टर साहिबा को निमंत्रण भेजा कि कलेक्टर साहिबा आप हमारी होटल में कभी आइए खाना खाने। कलेक्टर साहिबा गई अपने बूढ़े माँ बाप के साथ और जाकर वहाँ बैठ गई। पूरे जितने भी उस शहर के बड़े बड़े जो लोग थे हाथ में बुके गुलदस्ते लिए हुए कलेक्टर साहिबा का इंतजार कर रहे थे ताकि साहिबा को वेलकम किया जा सके उनका अच्छे से। तो जैसे ही कलेक्टर साहिबा वहाँ बैठी, होटल के मालिक आए, उन्होंने उन कलेक्टर साहिबा को बुके दिया, अच्छे से उनका ट्रीट किया। तो कलेक्टर साहिबा ने कहा हाथ जोड़कर कि, तो वेटर ने कहा मैडम आप बताओ आपको क्या पसंद है मैं लाऊं। तो कलेक्टर साहिबा ने कहा यहाँ के जितना भी स्टाफ है उन सबको आज मेरी तरफ से पार्टी है। तो जो मालिक था वो देखने लगा ऐसे कैसे। तो जो कलेक्टर साहिबा थी उसने हाथ जोड़कर उस वेटर के सामने और मालिक के सामने, मैनेजर के सामने कहा कि अगर उस दिन आप लोगों ने, अगर वो एक डोसे के बदले अगर दो डोसे ना दिए होते, मेरे पूरे मोहल्ले के लिए इतनी सारी मिठाइयां ना दी होती, मुझे इतना सारा प्रेरणा आप लोगों ने ना दी होती ना, तो शायद मुझे इतना मोटिवेशन नहीं मिलता और मैं पढ़ लिख कर आज IAS जिला कलेक्टर नहीं बनती। आज जो मेरी सक्सेस है ना उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी योगदान है। तो कभी भी वो सारा जो माहौल था एकदम, वो सारा का सारा माहौल एकदम इमोशनल हो चुका था वहाँ का। और ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई गरीब बच्चा है, अगर कोई पढ़ने में अच्छा है, तो आप प्लीज़ उसको मोटिवेट कीजिए, ना कि उसको डीमोटिवेट कीजिए। क्या पता आपका मोटिवेशन उसे जिंदगी के उन राहों का किंग बना दे जो शायद जिसके बारे में उसने कभी सोचा ना हो। ये छोटी सी कहानी हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।